आज तारीख हो चुकी है 23 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है बीसीसीआई की मीटिंग को लेकर। दरअसल कल सुबह 10 बजे बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बीसीसीआई और सभी टीमों के ओनर्स ने एक मीटिंग करी थी। इस मीटिंग में आईपीएल 2022 के एडिशन को लेकर काफी बड़े फैसले लिए गए थे, जहां पर मीटिंग के 1 घंटा बाद 11 बजे ही सबसे पहले तो सभी ओनर्स के अप्रूवल के बाद ऑक्शन में आने वाले सभी प्लेयर्स के नाम अनाउंस हो गए थे। हमें यह पता चल गया था कि आखिर ऑक्शन में कौन कौन से यहां पर विदेशी और भारतीय प्लेयर्स आएंगे। इसके साथ आईपीएल 2022 की वेन्यू को लेकर भी इस मीटिंग में काफी बड़े अपडेट्स निकल कर आए, जहां पर बीसीसीआई ने और सभी ओनर्स ने प्लान किया है कि यहां पर मुंबई और पुणे में आईपीएल 2022 का कंप्लीट एडिशन कराया जाए। मुंबई और पुणे में यहां पर कठोर बायोवल बनाकर 3 या फिर 4 स्टेडियम में बिना क्राउड के आईपीएल कराया जाए। और अगर आईपीएल में कोई भी समस्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, तो आईपीएल को दुबई या फिर साउथ अफ्रीका में कराया जाएगा। तो या तो भारत में या फिर दुबई या फिर साउथ अफ्रीका में अब आईपीएल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बीसीसीआई ने स्टार्टिंग डेट भी बताई कि मोस्ट प्रोबेबली 27 मार्च से हमें यहां पर आईपीएल 2022 के एडिशन की शुरुआत देखने को मिलेगी और 98% चांस है कि भारत में ही बिना क्राउड के हमें मुंबई और पुणे में अब आईपीएल देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कहां पर और कब से आखिर आईपीएल होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भारत में या फिर साउथ अफ्रीका में या फिर दुबई में आखिर कहां पर आईपीएल होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मेगा ऑक्शन के रजिस्टर्ड प्लेयर्स को लेकर। असल मेगा ऑक्शन के लिए कुल यहां पर 3000 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, लेकिन बीसीसीआई की मीटिंग में सभी ओनर्स के अप्रूवल के बाद बीसीसीआई ने उन प्लेयर्स की छटनी कर केवल मेगा ऑक्शन के लिए 1214 प्लेयर्स को यहां पर शामिल रखा है। 2 दिन मेगा ऑक्शन चलेगा, 2 दिन में 1214 प्लेयर्स के हमें नाम देखने को मिलेंगे। इनमें से 896 भारतीय प्लेयर्स ने और 318 विदेशी प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया से 49 विदेशी प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। इवन साउथ अफ्रीका से भी 48 और विंडीज से 41 यहां पर विदेशी प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। उन सभी रजिस्टर्ड प्लेयर्स की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में आपको हमारी तरफ से ₹5000 बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फटाफट अभी माय लोन सर्किल डाउनलोड करके आप अपनी टीम बना ले और अपना फर्स्ट डिपॉजिट कर दे। यहां पर आज जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से माय लोन सर्किल डाउनलोड करेगा और अपना फर्स्ट डिपॉजिट करेगा, उन सभी को हमारी तरफ से ₹5000 आज फ्री में मिलेंगे। तो माय 11 सर्किल ने हमारे साथ मिलकर ये कोलैब किया, यहां पर हमारे सब्सक्राइबर के लिए गिव अवे रखा है। तो बिना किसी देरी के आप माय 11 सर्किल डाउनलोड करके आज के मुकाबले के लिए आप फटाफट टीम बना ले। इवन आपकी टीम अगर लक्ष्मण को बीट करती है तो आपको 5 गुना कैश मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपकी टीम यहां पर आज भारत भी जीत जाता है तो आपको आपकी विनिंग अमाउंट का डबल मिलेगा, यानी ₹100 जीतने पर आपको 200 और ₹1000 जीतने पर आपको 2000, 1 लाख जीतने पर 2 लाख मिलेंगे। तो फटाफट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप माय 11 सर्किल को डाउनलोड कर ले। हेल्प के लिए आप हमारी टीम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप भी फटाफट अपनी टीम बना ले। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मेगा ऑक्शन से बाहर होने वाले प्लेयर्स को लेकर। दरअसल काफी सारे प्लेयर्स ने अपने आप को मेगा ऑक्शन से दूर रखा है, मेगा ऑक्शन से बाहर हुए, जहां पर जो रूट, मिचेल स्टार्क, सैम करन ने, बेन स्टोक्स ने, आर्चर ने, क्रिस गेल ने, इसके साथ ही क्रिस वोक्स ने अपने आप को बाहर कर लिया, जहां पर जो रूट ने टेस्ट और काउंटी खेलने के लिए, इसके साथ ही बेन स्टोक्स ने अब इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी मिल जाने के कारण अपने आप को बाहर कर लिया। आर्चर ने तो ये बताया कि शायद ये कमबैक कर सकते हैं, अगर ये इंजरी से रिकवर हो जाते हैं तो कमबैक कर सकते हैं। क्रिस गेल ने अब रिटायरमेंट का फैसला लिया है, 42 की एज हो जाने के कारण वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि क्रिस वोक्स और सैम करन और मिचेल स्टार्क का ये फैसला थोड़ा समझ नहीं है, जहां पर सैम करन का आईपीएल में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा, क्रिस वोक्स भी काफी सक्सेसफुल रहा और मिचेल स्टार्क भी काफी सक्सेसफुल रहे, इसके बावजूद इन 3 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया। हालांकि बीसीसीआई यहां पर लगभग 15 से 20 दिनों तक अब इन प्लेयर्स को मौका देगा। ऑक्शन से 3 दिन पहले तक प्लेयर यहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई प्लेयर अब मेगा ऑक्शन में आखिरी के 3 दिन पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, स्पेशल विंडो में अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से प्लेयर को आखिर अपने आप को दोबारा से रजिस्टर्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों के पर्स बैलेंस को लेकर।
रहे हैं। दरअसल अब यहाँ पर सभी टीमों का पर्स बैलेंस रिवील हो चुका है, जहां पर पंजाब की टीम मेगा ऑक्शन में 72 करोड़ के साथ जाएगी, हैदराबाद की टीम 68, राजस्थान की टीम 62, इसके साथ लखनऊ की टीम 60 करोड़ के साथ, तो यहाँ पर आरसीबी की टीम 57, अहमदाबाद की टीम 53, चेन्नई की टीम 48, इसके साथ ही मुंबई केकेआर भी 48 करोड़ के साथ, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 47.5 करोड़ के साथ मेगा ऑक्शन में जाएगी। सबसे अधिक पंजाब और हैदराबाद के पास पर्स बैलेंस है, वही सबसे कम यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास पर्स बैलेंस है। तो कुल मिलाकर मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों का हमें रिमेनिंग पर्स बैलेंस पता चल चुका है। आप कमेंट करके बताइए इस पर्स बैलेंस के बेसिस पर आखिर कौन सी टीम मेगा ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर को परचेस करेगी और किस प्राइस रेंज में आखिर कौन सा प्लेयर बिकेगा, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ के ओनर गोनेका की तरफ से। दरअसल दो दिन पहले लखनऊ की टीम ने केएल राहुल को अपना कप्तान बनाया, इसके साथ ही मार्कस स्टोइनिस को और गिल को अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद इस टीम के ओनर गोनेका ने ये बताया कि केएल राहुल की कप्तानी पर इनको पूरा ट्रस्ट है, केएल राहुल की बल्लेबाजी की एबिलिटी और कप्तानी की एबिलिटी पर इनको पूरा ट्रस्ट है। इनका मानना है कि पहले एडिशन में यहाँ पर केएल राहुल लखनऊ की फ्रेंचाइजी को काफी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हालांकि केएल राहुल के कप्तान के तौर पर पंजाब इसके साथ ही भारतीय टीम के लिए अब तक तो काफी खराब प्रदर्शन रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर लखनऊ के लिए कैसी कप्तानी केएल राहुल आईपीएल एडिशन में अब करेंगे। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है सभी टीमों के कप्तानों को लेकर। दरअसल आज की वीडियो में आपको आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए सभी टीमों के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कैप्टन के अब नाम बताए जाएंगे। इसी वजह से आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी आईपीएल से जुड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। इसके साथ ही अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं सभी टीमों के कप्तानों की। एमआई की तरफ से कंफर्म है रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, चेन्नई की तरफ से एमएस धोनी और जाडेजा ने यहां पर कप्तानी करने का फैसला लिया। पहले हाफ में एमएस धोनी, दूसरे हाफ में जाडेजा हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। केकेआर की टीम वार्नर और अय्यर में से एक को परचेस करके कप्तान बनाएगी। हैदराबाद की टीम के लिए केन विलियमसन कप्तानी करेंगे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे, राजस्थान रॉयल्स के लिए अब सैमसन कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही आरसीबी या तो मैक्सवेल कप्तान बनाएगी या फिर फेफ डुप्लेसी को परचेस करके अब कप्तानी सौंपेगी। और इसके साथ ही पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल, लखनऊ के लिए केएल राहुल और अहमदाबाद के लिए हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। तो इस तरीके से अब सभी दसों टीमों का आईपीएल 2022 के एडिशन के हमें कप्तान पता चल चुके। आप कमेंट करके बताइए सभी दसों टीमों में से आखिर कौन सी टीम के पास सबसे खतरनाक कप्तान है और कौन सी टीम के पास आखिर सबसे बेकार कप्तान है। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है मेगा ऑक्शन को लेकर। दरअसल कल की मीटिंग के बाद बीसीसीआई ने बता दिया कि मेगा ऑक्शन की डेट और वेन्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा। एज पर शेड्यूल 12 और 13 फरवरी को हमें बेंगलुरु मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद मेगा ऑक्शन की टाइमिंग रिवील हो जाएगी, आखिर कितनी बजे से लेकर कितनी बजे तक मेगा ऑक्शन चलेगा। दो दिन मेगा ऑक्शन चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक दिन 7 से 8 घंटों तक अब मेगा ऑक्शन चलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही दिनों में आपको मेगा ऑक्शन की टाइमिंग भी पता चल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को तो आप बिना देरी के आप अभी वीडियो रोक कर ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल जब से आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब से क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स ने हर एक आईपीएल एडिशन में यहाँ पर हर एक मुकाबला खेला है। ऑलमोस्ट हर एक आईपीएल एडिशन में इन्होंने एक या फिर एक से अधिक मुकाबले खेले। तो आईपीएल इतिहास में अब पहली बार एक आईपीएल एडिशन बिना क्रिस गेल के बिना एबी डिविलियर्स के हमें देखने को मिलेगा। दोनों ही प्लेयर सब एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद अब आईपीएल का भाग नहीं बनेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेयर्स में से आखिर कौन से प्लेयर को आईपीएल का भाग होना चाहिए था। इसके साथ ही आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप माई लोन सर्विस को डाउनलोड करके कुछ पैसे डिपॉजिट करके हमारी तरफ से फटाफट आज सुबह ही आप 5,000 रुपये प्राप्त कर ले। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।